नमस्कार साथियों, आज जो सेकंड ग्रेड का दो पेपर हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट का हम वीडियो बना चुके और सेकंड जो शिफ्ट है द्वितीय श्रेणी री एग्जाम जो 2 से 5 हुआ होगा शायद, उसमें 26 सवाल आए हैं और जो हमने पढ़ा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लगभग उसी में है, 2-3 सवालों को छोड़ करके, क्योंकि कुछ सवाल पिछले में भी अटपटे थे, कुछ इसमें भी, बाकी लगभग चीजें जैसी हमने पढ़ी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे के वैसे हैं, आपके रजिस्टर में छपे हुए हैं और इन वीडियोस में पढ़े हुए हैं, ना ये डिलीट हो सकते हैं ना कुछ संशोधन हो सकता उनमें है। तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसमें क्या क्या सवाल आए हैं हमारे, देखिए पहला सवाल, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया है। सदस्य राज्यसभा का है और राज्यसभा का सदस्य है नीरज डांगी, तो इनको राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं, देखिए ये 11,283/33, तो तकरीबन ये आता है 341.90। देखिए सवाल उसने गुणा भाग पूछ लिया, गणित पूछ लिया, जहां तक मेरी सोच है तो 341.90 का मतलब है 342 औसतन पूछ रहा है कि औसतन कितनी ग्राम पंचायत है। वर्तमान में पंचायती राज की साइट दिखा रही है 11,283/33, हालांकि बढ़ के 50 हो गए, उनका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, तो 33 का भाग हम 11,283 में देंगे तो 341.90 आएगा, 9.5 से ऊपर आने पे हम इसको पूर्ण कर देंगे तो 342 होना चाहिए। बाकी ये ऐसे सवाल हैं जिनमें अगले ने क्या सोचा है, हो सकता है पेपर बनाते समय ये 11,283 जगह 10-20 और ज्यादा थी, ग्राम पंचायत कम हो जाती है, नगर पालिकाएं बन गई, नगर परिषद बन गई, तो चेंज होता रहता है, उसके दिमाग में क्या है, लेकिन मामला फिर ये न्यायालय में जाएगा, क्योंकि आप डेटा बेस्ड सवाल पूछते हैं, डेटा क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये संख्या जब 20 में चुनाव हुए 21 में तब ये नहीं थी, इससे ज्यादा थी ग्राम पंचायतें, कम हो गई। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है, 11वीं का मतलब है पंचायती राज, तो पंचायतों को 29 विषय दिए, नगर निकायों को 18, अतः आंसर आपका हो जाएगा 29। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ये सवाल ऐसे कैसे आपके रजिस्टर में छपे पड़े हैं, 67 में पहली बार लगता है, 77, 80 और 92, ठीक है, 67, 77, 80 और 92, चारों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखाए हुए हैं आपको, चारों राज्यपाल लिखाए हुए हैं आपको, चारों सन लिखाई हुई है और कारण लिखाया हुआ है, तो सीधा सवाल है कि चार बार लगा 67, 80 और 92। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 99 में जारी की, पता नहीं कितनी बार ये सवाल रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नोटिफिकेशन 99 में जारी हो गया था, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, है ये आयोग कैसा है, स्वायत्त संस्था है, संविधान नेत्र है, बस संविधान में उल्लेख नहीं है, जिसको हम लोक प्रचलित अर्थ में कह देते हैं गैर संवैधानिक, यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील रहा, बिल्कुल ठीक है, आरएएस में भी सवाल पूछा हुआ है, वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, कल ही पढ़ा के गया हूं आपको 4 बजे जो लाइव क्लास ली थी कि 1+2=3 और अध्यक्ष रहित दे देता तो 2 आते, अतः ये 3 कथन तो सत्य हैं और एक कथन जो है इसका कि आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है,
ये गलत है, ये कथन गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे, तो पहली विधानसभा 160 सदस्यों के लिए थी जहां तक मैं समझ रहा हूं, और कांग्रेस की सत्ता राम राज्य परिषद 24 के आसपास सीटें, 22 या 24 के आसपास सीटें थी राम राज्य परिषद की, तो सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था, सॉरी सर्वाधिक पूछ रहा है ये, भारतीय जनसंघ हिंदू महासभा। यस यस सही है। देखिए कांग्रेस को तो सर्वाधिक हुए वो ऑप्शन में ही नहीं है, तकरीबन 82 सीट थी, और राम राज्य परिषद इसको तकरीबन 24 सीटें प्राप्त हो रही है। इनमें से जो है वो किसको प्राप्त हो रही है, कांग्रेस के बाद, यस कांग्रेस के बाद राम राज्य परिषद। ठीक है, आंसर आपका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? डीबी गुप्ता थे, देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, राइट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई, राइट। जयपुर जोधपुर बीकानेर में 16 अगस्त 1949 को ये अलग से आयोग थे, हमारी 22 रियासतों में से 19 देसी रियासत प्लस 3 चीफ शिप्स में 19 में से ये 3 में थे अलग से, ये समाप्त कर दिए गए। तीनों ही कथन इसमें सत्य हैं, ए बी और सी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद, सबको पढ़ाया हुआ है अक्सर से लिखा हुआ है, कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956। नोटिस करते जाइए, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसी के इर्द गिर्द सवाल बना रहा है। इसका मतलब है मैंने कहा था कि आप सिलेबस की कॉपी और पुराने पेपर को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। कल जो मैंने 74 सवाल डाले थे वो मैंने टॉपिक दर टॉपिक जहां से लगभग लगभग सवाल आते हैं वो, और एक प्रयास किया था कि उन सवालों में से कुछ मिले। फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसे के ऐसे हूबहू सवाल मिले, इसमें भी मिल रहे हैं। तो 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल आर्टिकल 213 में जब विधानसभा राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, विधानसभा विधान परिषद सत्र में नहीं हो, तो किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तब ये कह रहा है कि क्या आवश्यक है उसके बाद राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा, नहीं इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज्य विधानमंडल। ऑर्डिनेंस राज्य विधानमंडल के दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, और सत्र में आ जाने पे 6 सप्ताह, और राष्ट्रपति राज्यपाल जारी करता है तो 6 महीने। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की एक समान शक्तियां हैं, ये आर्टिकल चेंज है, व्यवस्था वही है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का है, 213, और कल ये सवाल मैंने किया था, चर्चा इस पे मैंने की थी। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मेरे हिसाब से ये सवाल या तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, अन्यथा ये डिलीट होगा। कारण 62 से 68 रहा और 71 से और रहा 77 तक। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, पहली बार चाइना, दूसरी बार पाकिस्तान, और तीसरी बार बीच में 25 जून 1975 से और 21 मार्च 1977 तक। ये 3 बार लगता है हमारे यहां आंतरिक अशांति।
अगर ये आपातकाल की बात कर रहा है तो 352 की बात कर रहा है, और जब पहली बार आपातकाल लगा तो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल शुकाड़िया, और तकरीबन ये रहते हैं 71 तक। उसके बाद बरकतुल्ला खान आ जाते हैं और हरिदेव जोशी आ जाते हैं 73 में। अतः दो मुख्यमंत्री हैं, बताइए कौन सा मुख्यमंत्री, बताएं पेपर सेटर को। पहली बार लगा, अगर ये कह दे कि पहली बार आपातकाल लगा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तब हम कहेंगे मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन इसने दे दिया कि आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भाई 62 से 68, 71 से 77, तो इस काल में एक मुख्यमंत्री थोड़ी रहेगा, तीन मुख्यमंत्री रहे हैं। बरकतुल्ला खान ऑप्शन में है नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी हैं। तो पहले 62 से 68 तक मोहनलाल सुखाड़िया थे, दूसरी बार वाला पाकिस्तान लगा जब भी मोहनलाल सुखाड़िया थे, लेकिन 77 में जब लगा तो हरिदेव जोशी थे। राष्ट्रपति शासन लगा था, याद कीजिए, सेकंड बार तो मुख्यमंत्री कौन था, हरिदेव जोशी। 67 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन था, मोहनलाल सुखाड़िया। तो 67 में राष्ट्रपति शासन लग रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री है। 77 में फिर राष्ट्रपति शासन लग रहा है दूसरी बार, तब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री हैं। अतः ये प्रश्न क्या होगा, ये अपने आप में प्रश्नवाचक है, ये डिलीट होगा। नेक्स्ट, सोवियत संघ में ग्लासनोस्त, ये एक तरह से ग्लासनोस्त और पेरे स्ट्रोइका, ये पेरेस्ट्रोइका और ये ग्लासनोस्त, इसका मतलब है आपका खुलापन, क्लोज्ड इकोनॉमी की जगह ओपन इकोनॉमी, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्निर्माण। और ये मिखाइल गोरबाचोव, जिसके समय सोवियत संघ का पतन हुआ, इसकी वजह से ही क्या हो गया था, सोवियत संघ एक तरह से का पतन, यानी वो संगठन खत्म 91 में, और अब रूस है, यानी वो कॉमनवेल्थ, वो 15 राज्यों का समूह बिखर गया। तो ये अंतिम मिखाइल गोरबाचोव थे जिनकी वजह से ये हुआ। तो ये नीतियां किसकी थी, ये इसकी थी, मिखाइल गोरबाचोव, रशिया। पूछना नहीं चाहिए था ऐसा सवाल, ये सवाल शीत युद्ध का सब्जेक्ट का सवाल है, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों का सवाल है, उनके लिए सवाल है। जीके में हालांकि पॉपुलर रही हैं ये नीतियां, इसकी तो याद भी हो जाए। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, ध्यान दीजिए, इधर पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इधर जो हैं आपके मजदूर संघ हैं, यानी जिनको हम कहेंगे ट्रेड यूनियन। तो पॉलिटिकल पार्टी का, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का मजदूर संघ है, भारतीय जनता पार्टी, HMS, हिंद मजदूर संघ सही है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, TUCC, नौ C2, इसके मजदूर संगठन का नाम है C2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ATAK, राइट है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस INTAK। अतः सही नहीं है ऑप्शन दो, जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका ये TUCC मजदूर संघ नहीं है, एक तरह से हाँ उल्टा दे दिया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये तो सुभाष चंद्र बोस का है, वैसे भी ये तो CPI और M का है, C2, C2 किसका है, CPIM का, ये तो सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो 1939 में उन्होंने गठन किया, स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद कोई मजदूर संघ उसका नहीं है। नेक्स्ट, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, और ये 1943, और ये दिल्ली में है, और इसके एक्स ऑफिशियो, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन
भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं? अतः 1943। नेक्स्ट, शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन ये पुस्तक है शीत युद्ध समाप्ति के पश्चात सैमुअल पी हंटिंगटन की सभ्यताओं का संघर्ष। इसका मानना था कि अब भविष्य में लड़ाई जो होगी वो सभ्यताओं की होगी, धर्म के आधार पर जो सभ्यताएं पनपी हैं उनके बीच झगड़ा होगा भविष्य में, क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था और फिर फ्रांसिस फुकुयामो वो आपका एंड ऑफ हिस्ट्री की बात कर देता है। और कल मैंने चर्चा की थी आपको एक किताब की ये पुस्तक किसकी है, ध्यान से निकल रही है, ये दोनों तीनों की पुस्तकें बारंबार पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में भी और आजकल जीके में, लास्की, कार्ल मार्क्स और आपका बारकर इनकी, और विधि का शासन जो है आपका, पुस्तकें ये पूछता रहता है। तो ये जो पॉपुलर पुस्तक है, दास कैपिटल किसकी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है, बारंबार सवाल पूछ रहा है, पेपर सेटर आपको ले जाना चाह रहा है कि भैया मोटी मोटी अच्छी अच्छी किताबें याद करके आना, तो भविष्य में आप ये किताबें एक राउंड आप किताबों पे मार लीजिए। निम्नलिखित सूची पी को सूची आर से सम्मिलित करें, इधर ये राजनीतिक दल है, इधर इनका गठन वर्ष है, ये AIADM के, ये आपकी है अन्ना द्रमुक, और ये जयललिता वाली पार्टी, जयललिता से पहले जो फाउंडर थे इनके उधर रामचंद्रन, और ये था एडीएम के बीजेडी, बीजू जनता दल, तो इसमें आप मिला लीजिए AIADM के दो, बीजू जनता दल 1997, INLD इंडियन नेशनल लोकदल, और ये आपका 99, और समाजवादी पार्टी 1992। तो AIADM के 72 में, BJD आपकी 97 में, और INLD आपकी आ गई 99 में, समाजवादी पार्टी आ गई 1992 में। अतः आपका सही विकल्प होगा ए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियाई मैत्री सम्मेलन, कल ही पढ़ा के गया था मैं, 47 बता गया था, तारीख नहीं बताई थी, इसलिए देखिए ये टप्पे से किसी का सही हुआ होगा अलग बात है, कोई बच्चे ने पढ़ लिया तो उसका सही होगा। 23 मार्च 1947 ये पहला एशियाई मैत्री सम्मेलन दिल्ली में होता है। और इसके आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A न होके अनुच्छेद 43A में है, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बारंबार बताया मैंने 50 में है, समान नागरिक संहिता चर्चा में है, अलग से वीडियो बना रखा है। अतः औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क में है, 42A में नहीं है, ये इसका 18वें का आंसर होगा। समान नागरिक संहिता डाल रखा है वीडियो मैंने, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता NJSC विवाद का वीडियो डाल रखा है मैंने, और ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा रखा है आप सबको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? 3 दिन पहले गुटनिरपेक्षता पढ़ाई थी मैंने, शुरुआत वहीं से की थी कि विदेश नीति कहाँ है, 51 में अंतरराष्ट्रीय और शांति की सुरक्षा, अतः अंतिम नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 51। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 341,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, किसको है, राष्ट्रपति को है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति। जैसे राजस्थान में टीएसपी वगैरह एरिया हमारा है, ट्राइबल शेड्यूल प्लान इस तरह का, तो वो कौन से एरिया में ट्राइब्स रहती हैं, तो उनको एक तरह से घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावक का मूल कर्तव्य है, कब जोड़ा गया, 2002 संविधान संशोधन 86वां। तीन जगह बदलाव किया, एक बार नहीं 10 बार पढ़ाया हुआ है आपको कि तीन जगह बदलाव है, 21A आपका 11वां मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य प्रस्तावना राजस्थान सरकार ने कह दिया कि अनिवार्यता पढ़ाई जाएंगी, तो सवाल भविष्य में भी यहां से पूछा जाएगा। और नीति निर्देशक तत्वों में 45 में, और आपका मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य, और जीवन के अधिकार में आपका शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखिए ये हमेशा दोनों मंत्रिपरिषद की तुलना करता हूं मैं, पुराने वीडियो देख लीजिए आप, उसमें से दोनों का आर्टिकल वाइज कर रखा है। देखिए ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है राष्ट्रपति के प्रति, 75(2) बिल्कुल है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, इट मीन्स इंडिविजुअल आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति के प्रति है। किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5)(9), ये 75(4) में है। सामूहिक उत्तरदायित्व 75(3), यस ये लोकसभा के प्रति आपका सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रियों की नियुक्ति 75(1), प्रधानमंत्री और अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति 75(1) में है, और राज्य में ध्यान देना मुख्यमंत्री की नियुक्ति अकेली है इसमें, प्रधानमंत्री की, ओ उल्टा 75(4) शपथ। कौन सा विकल्प सही नहीं है, पिछहत्तर एक प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, 164 में दोनों एक में है, और यहां दोनों अलग अलग है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी ठीक है, नियुक्ति एक, सामूहिक उत्तरदायित्व ठीक है, 75(5) किसी मंत्री को पद की शपथ बिना सदन की सदस्यता 6 महीने तक रहे, 75(5), और आपका वेतन भत्ते का निर्धारण है 75(6) में, और 75(4) में है शपथ पद और गोपनीयता की, 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व है, 2 में आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, 1 में नियुक्ति है। तो ठीक है, किसी मंत्री को पद की शपथ जो है वो किस में आएगा, 75(4) में आएगा, ठीक है। अपना एनालिसिस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, ये कंफ्यूजन ये भी है कि यहां अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है ना 75(2) में जाएगी, इसलिए ये सवाल जो है वो मेरे हिसाब से तो डिलीट हो जाएगा भाई। देखिए 75(1) में पीएम की नियुक्ति है, 75(2) में अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व है, 75(4) में शपथ है, 75(5) में 6 माह तक आप सदस्य बन के आ सकते हैं, और 75(6) में आपका वेतन निर्धारण है। तो यहां देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75(1) में है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 75(2) में है, यहां 2 आएगा, और ये 75(2) यहां भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है 75(2) में है, शपथ जो है वो 75(4) में है, और सामूहिक उत्तरदायित्व 75(3) में है। मेरे हिसाब से ये सवाल अब क्या हो जाएगा,
ये डिलीट होगा, बहुत प्यारा सवाल था, डिलीट होगा ये। एक बार और चेक कर लूंगा मैं इसको कि भाई 75 के जो आर्टिकल हैं। शिक्षक भी विद्यार्थी होता है बेटा, अनुच्छेद 75 के खंड। ठीक है, आंसर यही रहेगा भाई इसका, है ना? तो ये डिलीट नहीं होना है। अपन जो पहले एनालिसिस कर रहे थे वो हमारा सही है, ये शपथ 75-4 में है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? पहले उच्चतम न्यायालय ने और बाद में संसद ने, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे आर्टिकल 21 में ए जोड़ के, कै जोड़ करके और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार शामिल कर दिया है। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया था। अब हमारे कुछ सदस्य जो थे विभाजन में उधर चले गए, तो संख्या गिर करके कितनी हो गई थी? 299। पढ़ा चुका हूं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? ध्यान दीजिए, 1919 में निम्न सदन में आपका 145 और नीचे इसमें था आपका 60। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, अब इनमें नियुक्ति की जानी थी। मेरे हिसाब से इसमें से कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, और क्योंकि मुझे ये ध्यान है कि 101 शायद निर्वाचित, 104 निर्वाचित और 141 आपके थे वो मनोनीत थे, ये निम्न सदन में थे, 60 थे वो राज्य परिषद में थे, यानी हमारी जो द्वितीय सदन है वो, क्योंकि 1919 के अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की जानी थी और 1921 में ये अस्तित्व में भी आ गए थे। अतः ये प्रश्नवाचक चिन्ह। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? संघात्मक व्यवस्था। ये कल मैं जब सवाल पढ़ा के गया था तो ये तो थी विफल योजना 35 के अधिनियम की, और प्रांतीय स्वायत्तता ऐसे कैसे सवाल दिया था मैंने कल वाले लाइव में, तो ये कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये मित्रों सवाल थे हमारे, और एक जो फर्स्ट शिफ्ट वाले में थोड़ा सा हो गया था, राजीव स्वरूप हमारे जो है वो लोवेस्ट चीफ सेक्रेटरी, और उसके बाद एनसी गोयल सेकंड लोवेस्ट है। एक वो करेक्शन कर लेना आप राजीव स्वरूप का, कि कौन से मुख्य सचिव का न्यूनतम कार्यकाल रहा वो राजीव स्वरूप थे, और मैं देखना उस वीडियो में बोल भी रहा हूँ कि राजीव स्वरूप कंफ्यूजन रहा, तो आज पहली बार मैंने एनालिसिस किया है। और इससे पहले मैं बच्चों को कहता था बेटा रजिस्टर उठा लो, ऑनलाइन तो अब शुरू किया है 2 महीने 2.5-3 महीने से, उससे पहले रजिस्टर में बच्चे आंसर की अपनी बना लेते थे, इस बहाने वो और तैयारी भी हो जाती थी, चेक भी हो जाता था, और मजा भी तभी आता है जब आप विद्यार्थी को परीक्षा से पहले पढ़ा दें, न कि परीक्षा होने के बाद गूगल सर्च करके पढ़ा दें, ये अंतर होगा। एक आधा सवाल ऊपर नीचे जाएगा, 90% सवाल आपके होंगे, और इस शुरू में मैंने कह दिया था सेकंड ग्रेड में पॉलिटी का स्पेशल दर्जा है, और करंट सवाल और देखोगे तो 2-4-5 आपको उधर और मिल जाएंगे। मैंने तो जो प्योर पॉलिटी के वो उठाए हैं, करंट रिलेटेड मैंने नहीं देखा है, अगर वो मिलेंगे तो मैं किसी अगले वीडियो में उनको शामिल कर दूंगा।
धन्यवाद मित्रों, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।